नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि क्या इमरान खान भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया उससे एक बार तो लगा कि शायद नई सरकार कुछ अलग करेगी, लेकिन ये भ्रम ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जैसे ही पाकिस्तान के पीटीआई नेता महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्री का पद संभाला और भारत को लेकर अपनी बात रखी, एक पल में ही उसके चेहरे से नकाब उठ गया और उसका असली रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। कुरैशी ने दिखा दिया कि पाक को जहर ही उगलना आता है और वो यही कर सकता है, लेकिन भारत के एक नेता ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही याद आता है। गाहे बगाहे पाकिस्तान से गलबहियां करने की इच्छा उनके दिल में हिलोरे मारती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर की, जिनकी 8 महीने बाद निलंबन का वनवास सहने के बाद कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। और घर वापसी करते ही मणिशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हमें खुद के परमाणु शक्ति होने का हल देते हैं और अय्यर चाहते हैं कि भारत उनसे बातचीत के लिए पहल करे। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी पाकिस्तान से संबंधों को लेकर क्या बयान दिया। पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार का रिस्क उठाना ही होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की अगुवाई में नई सरकार बनी है वह लोकतांत्रिक तरीके से बनी है। पाकिस्तान विदेश मंत्री मेरे करीबी दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार किसी तरह का फैसला लेगी, क्योंकि सरकार अपने आखिरी साल में है। अगले साल जो नई सरकार आएगी, मुझे उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत की पहल करेगी। आपको बता दें कि ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान की वजह से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। शनिवार को ही कांग्रेस ने उनका निलंबन वापस लिया है।